हे गाइस, आज की इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूँ प्रधानमंत्री आवास योजना की नई लिस्ट 2021-22 के बारे में। जी हाँ फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं यूट्यूब पर प्रधानमंत्री आवास योजना की नई लिस्ट से रिलेटेड बहुत सारे आपको वीडियोस मिल जाएंगे। बट फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं ऐसा बहुत सारे भाई होते हैं कि जिनका वो अपना प्रधानमंत्री आवास योजना का लिस्ट तो निकाल लेते हैं, बट वो अपना नाम को उसमें खोजने नहीं पाते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स प्रधानमंत्री आवास योजना का लिस्ट इतना बड़ा रहता है जिससे फ्रेंड्स खोजने में बहुत ही परेशानी आती है। तो गाइस, आज की इस वीडियो में आपको मैं बताने कि आप किस तरह से आप अपने नाम से नाम लिख करके अपना प्रधानमंत्री आवास योजना लिस्ट में अपना नाम को आप चेक कर सकते हैं। तो फ्रेंड, जानने के लिए बने रहे इस वीडियो को एंड तक। एंड चैनल पर पहली बार आए तो फ्रेंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो फ्रेंड चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले आपको अपने मोबाइल फोन का गूगल क्रोम ब्राउजर को ओपन करना है। जैसे कि फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैं अपना मोबाइल फोन का गूगल क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लिया हूँ। ओपन करने के बाद फ्रेंड्स आपको सिंपली यहाँ पे टाइप करना है iay.nic.in। एंड लिखने के बाद फ्रेंड्स आपको सिंपली यहाँ पे सर्च के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। एंड क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपके पास इस तरह से यहाँ पे इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो गाइस, आपको सिंपली इसको कर देना है आपको क्लोज। क्लोज करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना का ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पे ओपन हो चुका है। एंड ओपन होने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आपको देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारा यहाँ पे फीचर्स दिया हुआ है। तो गाइस, आपको सिंपली यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है आवास सॉफ्ट। तो गाइस, आपको सिंपली यहाँ पे आवास सॉफ्ट के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। एंड क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपके पास इतना सारा यहाँ पे ऑप्शन आ चुका है। जैसे फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पे फर्स्ट में लिखा हुआ है डाटा एंट्री, इसके बाद फ्रेंड्स रिपोर्ट, इसके बाद फ्रेंड्स एफटीयू ट्रैकिंग, ई पेमेंट। तो गाइस, आपको सिंपली यहाँ पे रिपोर्ट के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। एंड क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपके पास इस प्रकार से यहाँ पे इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आपको सिंपली यहाँ पे ट्रिपल डॉट वाले बटन पे आपको क्लिक करना है। एंड क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है डेस्कटॉप साइट। तो गाइस, आपको सिंपली यहाँ पे डेस्कटॉप साइट पर अपना मोबाइल फोन को आपको कर लेना है। क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपके पास आपका मोबाइल फोन का स्क्रीन किसी लैपटॉप या डेस्कटॉप के मोड में यहाँ पर ओपन हो चुका है। एंड ओपन होने के बाद फ्रेंड्स आपको सिंपली यहाँ पे नीचे आ जाना है। जैसे कि फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपके पास यहाँ पे बहुत सारा यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है। तो गाइस, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है चेक रिपोर्ट। तो गाइस, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं फोन नंबर पे यहाँ पे लिखा हुआ है कैटेगरी वाइज चेक डाटा वेरिफिकेशन समरी। गाइस, आपको सिंपली इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। एंड क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पे आपका प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाएगा। तो गाइस, पूरा प्रोसेसिंग होने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपके पास इस प्रकार से यहाँ पे इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है ऑल स्टेट। तो गाइस, आपको सिंपली इस वाले बॉक्स पे आपको क्लिक करना है। एंड क्लिक करने के बाद आपके पास इस तरह से यहाँ पे इंटरफेस ओपन हो जाएगा। जैसे कि फ्रेंड्स आप जिस भी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं यहाँ से अपना स्टेट का नाम आपको सिलेक्ट कर लेना है। तो गाइस, यहाँ पे मैं अपना स्टेट का नाम यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। एंड सिलेक्ट करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पे आपका प्रोसेसिंग लेगा। तो गाइस, पूरा प्रोसेसिंग होने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपके पास एक और यहाँ पे बॉक्स आ चुका है। तो गाइस, आपको सिंपली इस वाले बॉक्स में आपको क्लिक करना है। एंड क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका डिस्ट्रिक्ट का नाम आ चुका है। एंड डिस्ट्रिक्ट का नाम आने के बाद फ्रेंड्स यहाँ से अपना डिस्ट्रिक्ट का नाम आपको सिलेक्ट कर लेना है। गाइस, यहाँ से मैं अपना डिस्ट्रिक्ट का नाम यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करने के बाद फ्रेंड्स आपको फिर से इस वाले बॉक्स पे आपको क्लिक करना है। एंड क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ से अपना ब्लॉक का नाम आपको सिलेक्ट कर लेना है। तो गाइस, यहाँ से मैं अपना ब्लॉक का नाम यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। एंड सिलेक्ट करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पे आपका फिर से यहाँ पे प्रोसेसिंग लेगा। तो गाइस, आपको यहाँ पे फुल प्रोसेसिंग आपको होने देना है। जैसे फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरा फुल प्रोसेसिंग हो चुका है। एंड इसके बाद आपको फिर से यहाँ पर आपको सिलेक्ट वाले बॉक्स पे आपको क्लिक करना है। एंड क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ से अपना पंचायत का नाम आपको सिलेक्ट कर लेना है। तो गाइस, यहाँ से मैं अपना पंचायत का नाम यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। एंड सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपके पास फिर से यहाँ पे प्रोसेसिंग लेगा। तो गाइस, आपको फुल प्रोसेसिंग यहाँ पर आपको होने देना है। एंड क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपके पास यहाँ पे कैप्चा कोड यहाँ पे टाइप करना है। तो गाइस, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरा यहाँ पे कैप्चा यहाँ पे प्लस में है। गाइस, यहाँ पे मैं अपना कैप्चा को इस बॉक्स के अंदर मैं फिलअप कर लेता हूँ। आपको भी यहाँ पे फिलअप कर लेना है। तो गाइस, अपना कैप्चा को फिलअप करने के बाद को सिंपली यहाँ पे सबमिट के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। एंड क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पे आपका फिर से यहाँ पे प्रोसेसिंग लेगा। तो गाइस, आपको पूरा प्रोसेसिंग यहाँ पर भी आपको होने देना है। तो पूरा प्रोसेसिंग होने के बाद फ्रेंड्स आपको सिंपली यहाँ पे नीचे आ जाना है। एंड नीचे आने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपका यहाँ पे प्रधानमंत्री आवास योजना का लिस्ट यहाँ पर आ चुका है। जैसे कि फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका डिस्ट्रिक्ट का नाम आ चुका है। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे आपका ब्लॉक का नाम आ चुका है। एंड इसके बाद आपका पंचायत का नाम आ चुका है। और गाइस,
साथ आपका यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर भी आ चुका है, बेनिफिशियरी नाम भी आ चुका है और आपका फादर का नाम भी यहाँ पर आ चुका है। तो गाइज आपको किस तरीका से अब अपने लिस्ट में आपका नाम को आपको देखना है, तो गाइज मैं आपको बताता हूँ। तो गाइज जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपको फिर से इस वाले बॉक्स पे आपको क्लिक करना है। एंड क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स आपको सिंपली यहाँ पर नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है फाइंड इन पेज, गाइज आपको सिंपली इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। तो गाइज आपको सिंपली यहाँ पर अपना नाम को आपको लिखना है। जैसे कि फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैं एक नाम को यहाँ पे लिख देता हूँ। एंड नाम लिखने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपका नाम आ चुका है। गाइज आप इसी तरह से अपना नाम को आप लिख के अपना नाम को यहाँ पर आप लिस्ट में देख सकते हैं। गाइज मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर भी है। तो गाइज यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर के ऊपर आप जब क्लिक करेंगे, गाइज यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपके पास प्रोसेसिंग कुछ लेगा। तो गाइज आपको पूरा प्रोसेसिंग यहाँ पर आपको होने देना है। पूरा प्रोसेसिंग होने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपके पास इस तरह से यहाँ पे इंटरफेस ओपन हो जाएगा। जैसे कि फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपका सारा कुछ यहाँ पे डिटेल्स यहाँ पर आ जाएगा। गाइज आपका नरेगा जॉब कार्ड नंबर क्या है यहाँ पर आपका सारा कुछ यहाँ पर दिखाई देगा। गाइज आपके मनरेगा जॉब कार्ड में क्या क्या यहाँ पे लिंक है, गाइज यहाँ पे आपका सारा कुछ यहाँ पे शो करेगा। एंड फ्रेंड्स इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपका फोटो भी यहाँ पर दिखाई देगा। तो गाइज आप इस तरह से अपना मनरेगा लिस्ट को आप निकाल सकते हैं एंड अपना सारा जानकारी को यहाँ से अपना देख सकते हैं। तो गाइज ऐसा करता हूँ कि अब अपना प्रधानमंत्री आवास योजना में अब अपना नाम को आप सर्च कर सकते हैं। गाइज अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि फ्रेंड्स मैं इसी तरह से वीडियो हमेशा इस चैनल पर अपलोड करता रहता हूँ, जिससे फ्रेंड्स आपको हर वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक मिल जाएंगे। तब तक के लिए फ्रेंड्स चलते हैं, बाय बाय।